स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके पार्ट फर्स्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें से हमेशा ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन हमारी राजनीति से रिलेटेड होते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। सभी एसएससी, पीएससी, आईबीपीएस, यूडीसी, एडीसी, सीएटी, एनडीए, एफएमसी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये क्या दो क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। तो हम चलते हैं आज के जीके के ऐसे क्वेश्चंस पे जिनमें से हमेशा ही एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमने क्वेश्चंस लिए हैं राजनीति के ऊपर। हम आपको क्वेश्चन बता दें इसके पहले, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि जो हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं उसका समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से और अच्छे से कर पाए। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन स्लाइड की ओर और हमारे क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि क्वेश्चंस ऐसी अभी तक की कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, यानी भारत में मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से एक न एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पहली महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही वही महिला है जो पहली महिला राष्ट्रपति हुई है। भारत की सर्वप्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने भारत में शासन किया। और भारत की सर्वप्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है जो दिल्ली की रहने वाली है। भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत के सर्वप्रथम चीनी यात्री फियान थे। फियान भारत के सर्वप्रथम चीनी यात्री थी, यानी ये पहला चीनी व्यक्ति था जिनने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, भारत की सर्वप्रथम महिला मंत्री कौन थी। भारत में सर्वप्रथम महिला मंत्री अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर भारत की सर्वप्रथम महिला मंत्री बनी थी। भारत के सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। कल्पना चावला भारत की सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की सर्वप्रथम महिला विश्व सुंदरी रीता फारिया थी। तो स्टूडेंट्स, ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे है जो अभी तक की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको हमने इसमें शामिल किया है। रीता फारिया भारत की प्रथम विश्व सुंदरी थी। भारत की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी जिसने सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल कानिया भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। हीरालाल कानिया भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम वो योद्धा था जिसने सर्वप्रथम भारत पर
आक्रमण किया था। ये मुस्लिम आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण गिना जाता है। भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे और भारत के सर्वप्रथम मुगल बादशाह बाबर, भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे 20 क्वेश्चंस थे जिनमें से अधिकांश क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनमें से एक नए क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लगभग पूछा ही जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और इन्हें याद रखें। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अधिक से अधिक ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो की जानकारी मिल सके और आपकी तैयारी को आप और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सके। इसी के साथ हैव अ नाइस डे।